बिहार विधानसभा भवन की 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर शताब्दी स्मृति स्तंभ का निर्माण किया गया है। इसका शिलान्यास 21 अक्टूबर 2021 को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के कर कमलों से हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से आज इसका अनावरण किया जा रहा है। अतीत में निर्मित स्तंभों की भव्य परंपरा के साथ आधुनिक तकनीकों और सामग्रियों का समावेश कर इस स्तंभ का डिजाइन तैयार किया गया है। भारतीय वास्तुकला और वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का पालन करते हुए स्तंभ को अष्टकोण के रूप में डिजाइन किया गया है। अष्टकोणीय संरचना इस स्तंभ की नींव तक फैली हुई है, जहां अष्टकोणीय पाइल कैप बनाया गया है। स्तंभ की मूल संरचना कॉन्क्रीट की है, जिसकी बाहरी सतह पर 8 इंच से 18 इंच तक मोटे जैसलमेर सैंडस्टोन का आवरण चढ़ाया गया है, जिसका वजन 54,000 किलोग्राम है। स्तंभ निर्माण में इस्तेमाल किए गए पत्थर एक ही चट्टान से लिए गए हैं, ताकि रंगों में एक रूपता रहे। स्तंभ की ऊंचाई 25 फीट है, जिसे 6 भागों में बांटा गया है। 15 फीट ऊंचे और 21 फीट फैलाव वाले कांस्य एवं पीतल से बने वृक्ष को इस स्तंभ के ऊपरी हिस्से में लगाया गया है, जिसका कुल वजन 2.8 टन है। इस वृक्ष की 9 शाखाएं राज्य के 9 प्रमंडलों, 38 उपशाखाएं 38 जिलों को और विभिन्न आकार के 243 एवं 75 पीतल के पत्ते बिहार विधानमंडल के सदस्यों की संख्या इंगित करते हैं। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष के अवसर पर बिहार विधानमंडल की ऐतिहासिक विरासत की प्रदर्शनी हेतु और आमजन में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक संग्रहालय निर्माण के लिए राज्य कैबिनेट के द्वारा 5 जुलाई 2022 को 48 करोड़ 76 लाख रुपए की राशि को स्वीकृति दी गई और इसके निर्माण की जिम्मेदारी भवन निर्माण विभाग को दी गई है। इसका निर्माण बिहार विधानसभा परिसर के पूर्व दक्षिण कोने में 1.03 एकड़ के भूखंड पर किया जा रहा है। संग्रहालय का निर्माण 60,000 वर्ग फीट में किया जा रहा है, जिसके 12,000 वर्ग फीट कार्पेट एरिया में 6 प्रदर्श गैलरियों का निर्माण होगा तथा एक 270 क्षमता का प्रेक्षागृह भी होगा। गैलरियों में बिहार में लोकतंत्र के इतिहास और बिहार विधानसभा के द्वारा संपादित महत्वपूर्ण विधायी कार्यों तथा विधानसभा से जुड़े ऐतिहासिक क्षणों और महान विभूतियों से जुड़ी स्मृतियों को भौतिक और डिजिटल रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। देश विदेश से विधायी कार्यों के प्रयोजनार्थ बिहार विधानसभा में आने वाले आगंतुकों के सुगम ठहराव हेतु एक अतिथिशाला का निर्माण किया जा रहा है। इस 3 मंजिले भवन में आधुनिक सुविधाओं से युक्त 7 सुइट तथा 16 कमरे होंगे। साथ ही मीटिंग हॉल, जिम, कैंटीन एवं पार्किंग के निर्माण का प्रावधान है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बिहार विधानसभा संग्रहालय और बिहार विधानसभा अतिथिशाला का शिलान्यास किया जा रहा है। विश्व के पहले गणतंत्र की जन्मस्थली बिहार की धरती पर निर्मित ये शताब्दी स्तंभ एवं संग्रहालय आने वाली पीढ़ियों को बिहार के गौरवशाली इतिहास से परिचित कराएंगे और वर्तमान बिहार की गौरव गाथा की गवाही भी देंगे।